Man vs. Wild with Bear Grylls. मैं दुनिया के कोने कोने में गया हूँ, दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों का सामना किया है। चलो चलो चलो, मेरे साथ रहो। ये सफर मेरे लिए ही नहीं, मेरे साथ हर कदम पर बने रहने वाली मेरी डेडिकेटेड टीम के लोगों के लिए भी खतरनाक रहा। मेरी टीम और मुझसे हमेशा शो के अपने फेवरेट मोमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो आज हम अपने 25 यादगार पल आपके लिए लाए हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड के कई पल मेरे लिए यादगार हैं, उनमें से 25 को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं शुरुआत करूंगा हेलीकॉप्टर से 9000 फीट की ऊंचाई से एक डेजर्ट आइलैंड पर छलांग लगाकर। मैजिक। जब बेयर एयरक्राफ्ट से नीचे कूदे तो हमने उस टापू को देखा। उस छोटे से टापू को देख के तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म हो। हम दुनिया के कुछ खतरनाक दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया में तो जमीन पर उतर पाना भी मुश्किल लग रहा था। ऊपर से कूदना तो बहुत आसान था। मेरा प्लान था पानी में उतरने का, पर उसके लिए मुझे पानी की सतह से कुछ ऊपर पैराशूट को खोलना था। लेकिन सतह से मैं कितना ऊपर हूं या उसे कब खोलना है, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। ये बहुत खतरनाक था। पैराशूट जल्दी खोलता तो कंक्रीट पर टकराने जैसा होता। तो एंट्री ऐसे मारी जाती है। 24वें नंबर पर है वो मोमेंट जब मैंने मोंटाना में अब तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई की थी। ये 200 फीट तो ऊंचा होगा ही, कम से कम। मैं एक बहुत ही गहरी खाई में फंसा हुआ था, वहां से निकलने का बस यही एक रास्ता था। मोंटाना के उस रेलवे ब्रिज की चढ़ाई को मैं आज तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई मानता हूँ। वो बड़ा तो था, पर कितना बड़ा था ये आधी चढ़ाई पार करने के बाद पता चला। साथ ही वो कमजोर भी था। वो ब्रिज कम से कम 100 साल पुराना था। वो चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, मेरी हालत खराब हो गई थी। पहले मैं अपने हाथों में और उंगलियों में खून का दौरा बना लूं। कहीं पर भी हाथ से पकड़ते या पैर जमाते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुली।